ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने वाला यात्रा है, ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने का यात्रा है, ये भाईचारा यात्रा नहीं है। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग, बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, एनआरसी का जिसने समर्थन किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, सनोबर को जिसने इंसाफ नहीं दिया भाईचारा का यात्रा निकालेंगे। मुसलमानों की बड़ी आबादी बस्ती है सीमांचल में, जहाँ गरीबी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, सैलाब से लोग तबाहाल हैं, सरकार टूटी हुई है, पुल लटका हुआ है। आरपीएफ का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया। चार का सबूत है, चार बच्चियां उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियां चलाई गई, फुल कर दी गई। रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई। सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है, वहाँ पर खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए, सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनूबर मारी गई, खलील लिजवी मारी गई, बाबर मारा गया। परेश के बंदे से मैं कहूँगा, आप गलत फहमी में मत रहिए, ये भाईचारा यात्रा है, ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने वाला यात्रा है, ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने का यात्रा है, ये भाईचारा यात्रा नहीं है। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग, बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, एनआरसी का जिसने समर्थन किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, सनोबर को जिसने इंसाफ नहीं दिया भाईचारा का यात्रा निकालेंगे। मुसलमानों की बड़ी आबादी बस्ती है सीमांचल में, जहाँ गरीबी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, सैलाब से लोग तबाहाल हैं, सरकार टूटी हुई है, पुल लटका हुआ है, उर्दू की जिसने बहाली नहीं की, वो लोग भाईचारा यात्रा निकालेंगे। ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को कि वर्दी का काम जान माल इज्जत की तहफ़ है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बम्बई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में वो पालघर के नज़दीक में वो जो चेतन कुमार ने, जो आरपीएफ का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया और चुन चुन कर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर मुस्लिम चेहरे को देखकर 3 मुसलमानों के सीने पर उसने गोली चलाई। एक का ताल्लुक बिदर कर्नाटक से, एक का हैदराबाद से और तीसरे का ताल्लुक यहाँ बिस्फी क्या कहते हैं मधुबनी से रहा है, वो भी बिहार का सपूत है। चार बच्चियाँ उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियां चलाई। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रोटी सेकी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है जिस गठबंधन ने, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतोल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। जमीन झगड़ालू है, मुतनाजा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चाहिए था कि उस मुतनाजा जमीन पे, विवादित भूमि पर किसी की लाश नहीं जलाई जाए, लोगों ने उसे खिसकाने के लिए कहा, उसी पर वहाँ के सरपसंदों ने तनाव का पूरा माहौल बना दिया और पुलिस की सरपरस्ती में रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई, बिजली गुल कर दी गई, रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई। हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब ले कि वहाँ पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे, औरतों को जाकर के बरहना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है, ये मसाइल हैं। तीसरा एक चौथा मसला एक वो है बिहार का, दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। एमआईएम दावा करती है कि आज भी एक तिहाई आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुँच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुँच पाया है और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है। सीमांचल के इलाके में 2-3 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं मिल पाती। आप बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है यह है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग उग्र भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम तर मामलात की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया
और सिसक कर दम तोड़ती है पीएमसीएच में, कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सोनोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में जहां राजद का विधायक है वहां पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है, आज तक न उसका मुआवजा हुआ न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मामला खलील रिजवी का जो जदयू का वर्कर रहा है और उसकी की निर्मम हत्या हुई और अब तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे जहीर नामसा जहीरुद्दीन एक ड्राइवर जो हड्डी की गाड़ी लेकर आ रहा था उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी 3 लड़के को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर में और उसका कोस देवड़िया में, और उसको क्या था मामला कि पुलिस ने कहा कि साहब ये लोग बैंक लुटे रहे हैं, उसको पीटा गया, उसने लुटा ही नहीं तो इकरार कहाँ करता। नतीजा है कि पुलिस ने पीटते सराफत का को 35 साल एक नौजवान को या 29 साल एक नौजवान को पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ दिया। ये सार गया में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है और यहीं पर आप नालंदा में आप देखने के बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने में है। आज तक नीतीश कुमार जी ने न बिहार शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न वहाँ के जले हुए मदरसे और कुरान और दूसरी दिगर किताबों का कोई मुआवजा की बात कही है मदरसे की तामीर के लिए, न अपने अफसोस का इजहार किया। हैरत की बात यह है कि मुल्क की सतह पर वर्दी के नौजवानों ने चुन चुन कर मुस्लिम को और दलित को गोली चलाया वहाँ पर पालघर में, और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है अभी ऊपर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुर्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से एक जुमला नहीं निकल पाता है। एमआईएम मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपेंसेशन अदा करे एज पर रूल, और चूंकि और जहां जो कुछ हुआ है चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे अजगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं, ये कमाने के लिए गए थे अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है, ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था, बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। और हमारा मुतालबा है चाहे वो बारसोई के मकतूल हो, सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है वहाँ पर, खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए, सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनूबर मारी गई, खलील रिजवी मारी गई, बाबर मारा गया, इन तमाम तर लोगों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनके परिवार को लोगों को दिया जाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजस्व में सबसे देश की संपत्ति राज्य की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा तो नेचुरल क्लाइमिटीज भी है, लेकिन ये तो आपदा नहीं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम तर फैमिली को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना हो या हर्जाना हो या उनकी फैमिली के लिए सहायता राशि हो ये देने का ऐलान करे, साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दे। और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए और उस पर यूएपीए के नाफिज किया जाए, और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई, पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के अहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है सराफत, पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में दरभंगा में, इन तमाम तर पुलिस के